हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई मैं आज आया हूँ जाफराबाद भैंस मंडी। आज पूरे एक हफ्ते के बाद मैंने पहली वीडियो बनाई है भैंसों की, और आज ही माल आया है भाई। आज 8 जुलाई है और भैंसें आज जाफराबाद की मंडी में आज ही उतरी है, और बिल्कुल हमारा पहला व्लॉग है जाफराबाद से, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट हमारी। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे जितने हुजाजे कराम है माशाल्लाह हज करने के लिए गए हैं, उन सबको बहुत दिल की गहराइयों से हज मुबारक हो, क्योंकि माशाल्लाह इस साल अकबर ही हज पड़ा है। तो भाई आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारक, हज की शुभकामनाएं। और मैं अपना ब्लॉग शुरू करूँ। दूसरी बात यह कि अगर आप हमारे साथ चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करिए, ताकि लोगों तक हमारी मालूमात पहुँचे कि बकरे और भैंसें कहाँ पर सस्ती आई हुई हैं। फिलहाल हमें जो नॉलेज मिली थी आज के, हमारे पास इन्फॉर्मेशन ये थी कि जाफराबाद के अंदर भैंसें आ गई हैं और गाजीपुर मंडी से सस्ती भैंसें हैं। यहाँ पर शुरू करते हैं अपने ब्लॉग को। तो भाई शुरुआत करते हैं अपनी इस भैंस से। भाई कह रहा आपकी है ये दो दांत है, क्या मांग रहा हो भाई? ये नर है मादी ने? मादी ने 40,000 रुपये मांग रहा हो। अच्छा मुझे एक बात ये बताओ, नस्ल कहाँ की भैंस है? पंजाब की भैंस है ये। और इसका वजन कितना होगा? 200 किलो से भी सही पा रही है भाई, 200 किलो से पा रही है भैंस भाई। माशाल्लाह माल काफी है। आज का पहला दिन है और हमारा पहला ब्लॉग है यहाँ का। सबसे पहले हम लोग आपको अपडेट देने के लिए आ गए हैं भाई। भी चलते हैं कुछ और भैंसे मैं आपको दिखाता हूँ। भाई कह रात की है ये वाली दो रात, क्या मांग रहा हो है भाई? 40,000 रुपए। कितने किलो की है? 220 किलो की। नर है मादी ने? नर है, नर कहाँ का है ये भाई? 220 किलो की है ये, 40,000 रुपये मांग रहे हैं, जिला कासगंज की भैया है और दो दांत की है। माशाल्लाह काफी अच्छी लग रही है 40,000 रुपए के अंदर। और दिखाता हूँ, छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बच्चे, हर किस्म की यहाँ पे भैंसें बंधी हुई है। चलता हूँ मैं अपने ब्लॉग को आगे बढ़ाता हूँ। बेटा क्या मांग रहा हो इसके? भैंस है, छोटा है, क्या दांत का है, कितने किलो का है ये? ये ना मालूम। 32,000 रुपए का, 150 पार होगा। भाई दिखाता हूँ आपको एक और झोटा। भाई कितने किलो का है ये? 550 किलो का। माशाल्लाह क्या मांग रहा हूँ? 70,000 रुपए। क्या दांत का है भाई? ये भाई 6 दांत का है। क्या लगा दोगे आखिरी रात? आखिरी रेट क्या लगा दोगे? 5,000 रुपए नीचे। भाई माल काफी है यहाँ पर, और मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कुछ और भैंसे, झोटे भी हैं इसके ना, नर भी हैं, मादीने भी हैं। भाई क्या दांत का है ये? दो दांत का। क्या मांग रहा हो? 55,000 रुपए। कहाँ की है ये? झोटा है, नर है, मादीने? ये मादीने। कहाँ की है? अलीगढ़ की। भाई अलीगढ़ की है। चाचा कितना किलो वजन होगा इसका? 225 किलो। भाई 200 किलो से लेके 225 किलो तक निकल सकता है इसके अंदर। बाकी मैं बढ़ता हूँ, आपको कुछ और दिखाता हूँ। एक यहाँ पे खड़ा भाई झोटा ये। भाई क्या मांग रहा हो इसके? 44,000। ये क्या दांत का है? दो दांत का। भाई दिखाता हूँ आपको एक और भैंस। भाई नरे मादी नहीं है? नरे मादी ने? मादी ने कहाँ की है? कासगंज की। क्या दांत है भाई? क्या मांग रहा हो इसके? 58,000 रुपए। और भाई ये वाला दो दांत की है अभी? ये नर है, ये भी कासगंज का है भाई? क्या मांग रहा हूँ? 32,000। चाचा कहाँ तक दे दोगे अगर कोई लेने आएगा तो? कहाँ तक दे दोगे अगर कोई लेने आएगा तो? 30 तक का दे दोगे? भाई माशाल्लाह अच्छे सौदे, बड़ी भैंस है, छोटी भैंस है, बड़े झोटे, छोटे झोटे, हर किस्म की भैंसें यहाँ पे आई हुई हैं। ये देखिए माशाल्लाह जबरदस्त लग रही है।
तो भाई मैं दिखाता हूँ आपको कुछ और भैंस हैं, ये इसमें नर और मादिन दोनों मिक्स हैं। ये जो है मैं बिल्कुल इस टाइम खड़ा हूँ जाफराबाद ईदगाह के बिल्कुल सामने है। इसमें 30,000 रुपये से शुरू हैं और 35,000-45,000 तक की इसके अंदर रेंज के हैं और माल काफ़ी है। आज का पहला दिन है, आज का हमारा पहला ब्लॉग है, लेटेस्ट अपडेट है 2022 की भैंस मंडी की जाफराबाद। भाई आप लोगों को एक नर और दिखाता हूँ, छोटा दिखाता हूँ। भाई कैदात का है ये? ये दो रात का है। क्या मांग रहा हो भाई? 37,000 रुपये। कितने किलो का निकलेगा भाई ये? एक क्विंटल 70 किलो के आसपास। भाई शुरुआत करता हूँ कुछ और पैसों से। भाई हजारों के तादाद में माशाल्लाह माल उतरा है आज। भाई क्या मांग रहा हो इस वाले के? 30,000। कितने किलो का है? 100 किलो। केदात का है भाई? नरे मादिन नरे। और भाई ये पीछे वाले बच्चे किसके हैं? तीनों किस किस रेंज में हैं ये? 30,000 के सब दो दो दादे। भाई भाई दिखाता हूँ कुछ और आप लोगों को। चाचा बच्चे अपने हैं ये वाले? क्या मांग रहा हूँ इस वाले का बता दीजिए, क्या मांग रहा है? 30,000। के दांत की है? दो दांत की। नरे मादिन मादिन है। भाई अभी तक हमने कुछ ही भैंसों की वीडियो बनाई है, भैंसे जो है काफी सारी हजारों के तादाद में यहाँ पर माल उतर चुका है। जाफराबाद मेट्रो स्टेशन से आगे से जो माल लगना शुरू हुआ है तो सेलमपुर तक ये माल लगता हुआ जा रहा है। एक साइड पूरी भैंसों ने कवर कर रखी है। तो अपने ब्लॉग को आगे बढ़ाता हूँ। तो भाई हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक और सब चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अभी तक आपने जितने भी वीडियोस को हमारे सपोर्ट करा है, आगे भी इसी तरह हमारी वीडियोस को सपोर्ट करते रहिएगा। दो दो दांत के भाई है? नरे मादिन दोनों बछड़े हैं। क्या मांग रहा हो है? 25,000 इस वाले का ना। तो कितने में हो जाएगा फिर? 33,000 में हो जाएगा। भाई दिखाता हूँ आप लोगों को कुछ और छोटे बच्चे। चाचा के दांत है ये? दो दो दांत हैं। दो दो दांत हैं। और क्या मांग रहे हैं? सब रेट के हैं। 28,000 के हुए हैं, 25 का भी है। 25,000 का चाचा कौन सा है? 25,000 का? 25,000 का ये है। ये दो दांत है? हाँ दो दांत है। कितने किलो का होगा तकरीबन ये? किलो से नहीं बिकता नहीं, कितना एक आइडिया कितने किलो का होगा? एक क्विंटल से पार है, 120 किलो के आसपास का। तो भाई आप लोगों को दिखाता हूँ कुछ और भैंस हैं। भाई क्या क्या दांत की है ये? 36,000 की है। जाके भाई बता कितने का है? कुछ 50,000 का है। स्टार्टिंग कितने रुपए से आपके यहाँ? शुरुआत कितने रुपए से? 26,000 है। कौन सी ये वाली? ये रात की है भाई? ये दो रात। कितने किलो निकल जाएगा इसमें? 100 किलो के आसपास। भाई क्या मांग रहा हो बच्चे के? के रात की है भाई? कहाँ की है? गंज झुंड बारा। भाई कहाँ पड़ता है ये? जिला जिला कासगंज। भाई ज्यादातर भैंसे जो है जिला कासगंज की तरफ से ही आई हुई हैं। भाई चल रहा है यहाँ पे एक बच्चे का सौदा, आप देखते हैं क्या है क्योंकि शोर काफी हो रहा है यहाँ पे। भाई क्या मांग रहे हो उसके? 50,000। के दांत की है? 4 दांत है। कितने किलो का होगा भाई? 48 किलो। कितने? ढाई क्विंटल से ज्यादा है। कासगंज के है भाई? अभी आप भी कासगंज से लेकर आए हो? 147 भाई। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ से एक लॉन्ग शॉट पूरी मंडी का।
आगे सेलमपुर तक लगी हुई है। बाकी मैं कवर करने की कोशिश करूंगा आगे की भी, क्योंकि ट्रैफिक भी काफ़ी हो रहा है और जाम भी है काफ़ी, आवाज़ की थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, उसके लिए माजरत है भाई। यहाँ पे जो स्टार्टिंग हमने देखी वो 19,000 रुपये और 20,000 रुपये से हमने स्टार्टिंग देखी है भैंसों की, और बाकी 25,000 30,000 35 40 45 50 तक की भैंसें हैं। इसके ऊपर की भी होंगी भैंसें, वो अभी तक हमने नहीं देखी, अभी आगे चलते हैं, हो सकता है इससे ऊपर की भैंसें भी हों यहाँ पर। भाई एक और झूठा दिखाता हूँ मैं आपको, छोटे भीम के नाम से है माशाल्लाह। भाई कह रहा आपका है ये चार दांत है भाई, चार दांत का छोटा भीम माशाल्लाह। क्या मांग रहे हो भाई? 1,05,000। 1,05,000 रुपए भाई, कहाँ तक दे दोगे? जहाँ तक बात बन जाए भाई। कितने क्विंटल का है ये? 450 किलो। माशाल्लाह भाई मजबूत जानदार झोटा है बिल्कुल ये भाई, मारता वारता तो नहीं है? नहीं है, सीधा है बहुत सीधा। भाई दिखाते हैं एक आपको गुलाबी भैंस, क्या मांग रहा भाई इसके? कितना क्विंटल की है ये? 225 किलो। क्या दाँत है भाई? छह दाँत भाई। ये भी कासगंज की है? ये मुरादाबाद की है भाई। माशाल्लाह गुलाबी पिंक भैंस, और भाई एक एक खड़ी हुई गोल्डन गोल्डन वाले, क्या मांग रहा हो भाई? अरे ऐसे ही बता दो बस, 52,000 रुपए। भाई यहाँ पे मैं कुछ और वैसे दिखाता हूँ आपको, चलिए बढ़ाते अपना ब्लॉग। तो भाई दिखाता हूँ आप लोगों को कुछ और वैसे है, पूरा इन्होंने एक तरीके से खेमा टाइप बना रखा है। भाई तुम्हारे यहाँ वैसे क्या क्या दांत की हैं? दो दांत चार दांत। दो दांत और चार दांत कहाँ की हैं भाई? कासगंज की है ये भी। अपने यहाँ जो भैंसे शुरुआत है कितने हजार से शुरू है? 30,000 से शुरुआत हुई है। 30,000 से शुरू है, कितने किंतु क्विंटल की? कोई 1.5 क्विंटल होती है, कोई 140 किलो। और कहाँ तक है भाई? 170 दो क्विंटल तक है। और कितने कहाँ तक की, कितने हजार तक की महंगी है? कोई 40-42-45। 40-42-47 भाई। सौदा जो है मैंने जाफराबाद में नोटिस करा, गाजीपुर मंडी से ज़्यादा सस्ती भैंसे हैं यहाँ पे, गाजीपुर मंडी से कंपैरिजन में यहाँ भैंसे सस्ती मिल रही हैं, और सौदे बहुत अच्छे हैं, माल बहुत है यहाँ पे माशाल्लाह। तो कभी भी आप लोग आए, एक दिन पहले हम लोग कल चांद रात है और एक दिन पहले वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि, क्योंकि भैंसे एक दो दिन पहले ही आती हैं, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है हमारी यहाँ के जाफराबाद से भैंस मंडी से। भाई दिखाता हूँ आपको कुछ और भैंसे। भाई नरे मादी नहीं है? नर। के रात का है? दो। कितने क्विंटल का है? 1,60,000। 1,60,000। और कितने क्विंटल का है? 3 क्विंटल का है, 300 किलो का है भाई ये झोटा माशाल्लाह, दो दांत का है, जबरदस्त 1,60,000 भाई बता रहे हैं। और भाई अपने यहाँ जो भैंसे शुरुआत है कितने हजार से शुरू है? 40,000 से लेके 70,000 तक। 40,000 से लेके ये बड़ा है, ये सबसे, ये 1,60,000। क्या लगा दोगे भाई इसका आखिरी? इसका फाइनल डेढ़ होगा। फाइनल डेढ़ भाई। फ्रेंड्स से दिखाता हूँ मैं आप लोगों को भैंसे, ये चारा खाती हुई जाफराबाद के अंदर गाजीपुर मंडी से सस्ती भैंसे हैं, माल बहुत है, खरीदारी आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुकून से कर सकते हैं, सफाई का पूरा एहतमाम है यहाँ पर। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि गाजीपुर मंडी में थोड़ा सा साफ सफाई का माहौल नहीं होता, खासतौर पर भैंस मंडी के अंदर, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा इन्होंने साफ सफाई का माहौल बना रखा है। भाई दिखाता हूँ मैं आप लोगों को बिल्कुल मार्केट का बुलबुल का बच्चा। भाई जाफराबाद भैंस मंडी की सबसे बेहतरीन भैंस बुलबुल का बच्चा दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, हाइट देखिए इस भैंस की। भाई नरे मादी नहीं है ये? नरे भाई देखिए मेरे कहाँ पे आ रही है, पेट पे बिल्कुल छोटी सी हाइट का है,
चंचल बच्चा है माशाल्लाह। क्या मांग रहा हो भाई इसके? 1,20,000। 1,20,000 का छोटा है भाई ये, और बहुत ही खूबसूरत जानदार। कितना क्विंटल का है भाई ये? 2 क्विंटल का। ये 2 क्विंटल का है। पूरी मंडी में इससे छोटा जोटा कहीं नहीं है, या दूसरे अल्फाजों में इससे छोटी भैंस नहीं है। बहुत ही जबरदस्त, सबसे बेहतरीन पूरी मंडी का बुलबुल का बच्चा इतना सा। ये देखो कहाँ पर आ रही है, बिल्कुल यहाँ पेट में। भाई कहाँ तक लग जाएगा? वो तो कम ज्यादा हो जाएगा, कम ज्यादा हो जाएगा भाई। हमारे भाई ने बोला था कि एक ऐसी भैंस दिखाऊंगा, बड़ा बेहतरीन और बेहतरीन जबरदस्त जोड़ा है ये। किसी को भी भाई को लेना हो जाफराबाद मंडी आ जाए। तो भाई ये था आज हमारा जाफराबाद भैंस मंडी से ब्लॉग। आज की लेटेस्ट अपडेट है, आज 8 जुलाई है, और जितने भी भैंसे आज ही माल उतरा है, ज्यादातर जितने भी हजारों के तादाद में यहाँ पे भैंसे हैं, गाजीपुर मंडी से सस्ती भैंसे यहाँ पे मिल रही हैं। साफ सफाई का बहुत एहतमाम कर रखा है लोगों ने यहाँ पे, रोड साइड है बिल्कुल, ले जाने में भी आप लोगों को आसानी रहेगी। सबसे मेन बात जो ये है कि माशाल्लाह परसों बकरीद का मौका है, आप लोग अपनी गलियों के अंदर साफ सफाई का बहुत ज्यादा माहौल बना के रखें, मतलब जो इसके जो गोश्त का पेठा वगैरह फेर जो बचता है गलियों में ना फेंकें, ताकि किसी को कहने का मौका ना मिले। तो गाइस अगर आज आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। और आज के लिए अल्लाह हाफिज़।